हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है SSR के एग्ज़ाम में, उसको आज हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का यहाँ से हेल्प मिल रहा है। और देखिए, हेल्प देना चाहिए भाई, जो लोग भी अगर मतलब एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो उनको क्या करना है कि कम्युनिटी टैब में हमने वहाँ पर शेयर कर दिए, तो आप लोग जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का जितना भी सवाल होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरों का भलाई हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप लोग जाके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के देखने के बाद देखिएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ डिस्कस भी करेंगे कि ये जो सवाल है किस लेवल के, अब जो आपका पार्ट होगा अगला पार्ट, तो किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, हडसन नदी के किनारे पे बसा है। ठीक है, CEO ऑफ BCCI पूछा गया था, तो CEO का भी देखिए, पेटीएम का भी आया CEO और इस BCCI का भी आ गया, तो CEO से सवाल आ रहे, जितने भी CEO से रिलेटेड सवाल है देख लीजिएगा, तो हो जाएगा राहुल। ठीक है, याद रखिएगा CEO ऑफ BCCI। चलिए आगे देखिए, थर्ड नंबर सवाल है, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ये सवाल आज मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर्स करवाया था, उसमें ही है, आप एक जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर AP महेश्वरी जो है, ये CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो सवाल ये भी आ सकता है कि CRPF का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये तो सब लोग को मालूम होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मजदूर दिवस, ये कल भी आया था, आज भी रिपीट हो गया, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, PDF का पूरा नाम पूछा गया है, तो PDF का पूरा नाम जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है, ये तो सब लोगों को मालूम है। और देखिए, आपका फुल फॉर्म से सवाल 1 से 2 नंबर का आ रहा है। मलेरिया दिवस, तो ये होता है 23 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया था, अभी आपको मैंने करवाया था, हाल ही फिलहाल ना करवाया था, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 8 में पेटीएम के CEO कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनू सट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आप लोग को अगर किसी भी सवाल में डाउट लगता होगा ना, तो कमेंट करना, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी में वीडियो बना के लिख के फटाफट बनाते हैं, क्योंकि जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, इसलिए मैंने करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट होता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे देखिए, 9 नंबर में इंडियन नेवी के 24वां हेड कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करमबीर सिंह। ठीक है, जो कि 24वें इंडियन नेवी के हेड हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 10 में वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 होते हैं, एक होता है आपका बैक में होता है, बाकी 6 खिलाड़ी आगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 11 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदी बिन पटेल है उत्तर प्रदेश के गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं, 12 है मध्य प्रदेश के CM, इतना इजी सवाल आ रहा है कि भाई कोई भी छक्का मार सकते हैं यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दे, जिनका MR का है ना, तो यहाँ से मेहनत कर दो, 7 दिन काम हो जाएगा, जो भी आपके पास 2-4 दिन, 1 दिन 2 दिन कर लो प्रिपरेशन, अच्छा से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। खुद देख सकते हो कि लेवल जो आ रहा है बहुत ही ईजी आ रहा है, कमलनाथ हो जाएगा। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। रूस की संसद है, संघीय। ठीक है, रूस की संसद क्या होती है, तो संघीय होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 50 नंबर सवाल है, भारी मशीनों का निर्माण इनमें से कहाँ पर होता है, तो रांची में होता है। ठीक है, भारी मशीनों का निर्माण जो होता है रांची में होता है। चलिए आगे देखिए, 60 नंबर सवाल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। और कल मेरा एक सवाल गलती था एक्चुअली में, क्योंकि महिला ओपन था ना, तो महिला तो होगा नहीं, तो उसमें महिला का नाम था, मैंने ऐड कर दिया था नोवाक जोकोविच, लेकिन कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए आगे देखिए, मरडेका कप खेल से संबंधित आ गया ना सवाल, तो फुटबॉल है। करेक्ट आंसर, मरडेका कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगर हमारे जितने भी खेल से संबंधित नहीं देखे हैं, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में वीडियो, उसे जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। ठीक है, भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर सवाल में, पानी को साफ करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये भी सवाल आया था, बच्चों ने कमेंट किया था, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, लेकिन आंसर मुझे अभी फास्ट में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने डिले नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए
आगे देखिए 21 में इनमें से कौन अस्थाई मेमोरी है, तो रैम हो जाएगा। रैम का भी फुल फॉर्म आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। विकृति की बीमा भी पूछा गया था, लेकिन एक्चुअली में तो आज तक हमने विकृति के बीमा तो नहीं देखे, लेकिन इसका शायद पता नहीं कुछ इनसे रिलेटेड सवाल था या फिर बीमा था, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 में NRI का फुल फॉर्म, तो नॉन रेसिडेंट इंडिया हो जाएगा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडिया हो जाएगा NRI का फुल फॉर्म। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये कृष्णा नदी पर बना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट ही है, भारत के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए सोनभद्र जो है, सोनभद्र हो जाएगा, जो कि ये भारत के सबसे बड़ा पशु मेला सोनभद्र में लगता है, लेकिन बल्कि ये जो पशु मेला है ये भारत में ही नहीं होता, ये पूरे एशिया में भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल में, फर्स्ट सोलर ट्रेन इंडिया, तो फर्स्ट सोलर ट्रेन इन इंडिया कौन सी थी, तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे छूट गया था, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि फर्स्ट सोलर ट्रेन इन इंडिया कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 में VOIP, इसका पूरा नाम बताना था, और तो इसका हो जाएगा वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वी से हो गया वॉयस, ओ से हो गया ओवर, आई से हो गया इंटरनेट, और पी से हो गया प्रोटोकॉल। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे कल ही देख रहा था, कल ही चीज़ देख रहा था कि यहाँ पे प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि पी वाला जितना भी लास्ट में है ना, पी मतलब कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जितने भी प्रोटोकॉल से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो VOIP का फुल नेम हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। SOAP का पूरा नाम सिंपल ऑब्जेक्ट एसेक्स प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, SOAP का सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एलिसा एलिसा चेक की जाती है, एलिसा जो है क्या काम करते हैं, तो ये बीमारी के लिए पता लगाने के लिए काम किया, एलिसा चेक जो होता है ये बीमारी को पता लगाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल है, मिल्खा सिंह के बाद कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन गूगल पे जब मैंने सर्च कर रहा था तो एक्चुअली में भी दे नहीं रहा था, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट के लिए फटाफट इसको लिख कर ही आपको आगे मैंने बता दिया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ हम आपको लास्ट में बताते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं कि क्या सोच रहा था अभी। हाँ देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम है आपका थर्ड शिफ्ट में, या फिर आपका कल है, या फिर नेक्स्ट डे होगा, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे जितने भी प्लेलिस्ट है ना, उसको एक बार वॉच कर लीजिए भैया, बिल्कुल पक्का आएगा। जो लोग भी वॉच कर लेते हैं तो समझो कि वहाँ से, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना, वही चीज़ एग्ज़ाम में पक्का एकदम मतलब हू बहू आ गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो चीज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो सभी के सभी सवाल आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उसे जाके वॉच करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए सवाल किस किस लेवल के आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, हबड़ाना मत। PDF, ठीक है, ये तो हो गया पूरा नाम, तो एक आपका आ रहा है क्या चीज़ से, दिवस से, एक आ रहा है फुल फॉर्म से, एक आ रहा है आपका मुद्रा से, स्टेट जितने भी है, और उसके बाद बंदरगाह से भी यहाँ पे सवाल है। CEO को देख लेना, जितने भी CEO हैं सभी चीज़ के, गूगल के CEO, इसका CEO, उसका CEO, जितना भी है फेसबुक का CEO, जितना भी है ना, सबका CEO वॉच कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब देख थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इंडियन नेवी के, ठीक है, तो इंडियन नेवी से इनका दिवस, इनके जो है हेड कौन है, तो ये बता ही दिया, तो फर्स्ट कौन थे, करंट कौन है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए खेल से आ गया यहाँ पे, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जितने भी होते हैं आपको याद कर लेना है, ठीक है, वाटर पोलो से रिलेटेड जितने भी है, मान लीजिए कि ये तो हो गया फुटबॉल में, अब पूछ दिया जाए कहीं नेक्स्ट आपका जो होगा एग्ज़ाम, तो फुटबॉल का भी पूछा जा सकता है, क्रिकेट में भी आ सकता है, तो बैडमिंटन से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो जितने भी है ना खेल से देख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं डाटा बता देता हूँ कि अगर इस डाटे पे चलेंगे तो काम हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा राजधानी के सवाल है जितने भी हैं उसको देख लीजिएगा, राजधानी से जितने भी रिलेटेड सवाल है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूस के सांसद पूछा गया, इतना ईजी सवाल, भारी मशीनों वाले, ये हमारा डाउट था, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सवाल मुझे लगा थोड़ा सा डाउट था, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है, ये चीज़ होगा, ठीक है, भारी मशीन
प्लांट कहाँ स्थित है, लेकिन सवाल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सवाल हम लोग का ये कि भारी मशीन का निर्माण इनमें से कहाँ होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें, प्लांट कहाँ स्थित है या फिर कहाँ बनाया जाता है, तो वही चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका रांची में, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही था, और जो लोग का भी अगला मतलब एग्ज़ाम होगा सेकंड शिफ्ट का, तो दे के निकलने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना, यथासंभव जो भी हो सके सही सही करना, गलत मत करना, ठीक है। बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।